नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वच्छ इंडिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के मतदान की संख्या को अधिक बढ़ाने एवं मतदाताओं को लुभाने के लिए कानपुर नगर के एक दुकानदार ने 5000 लोगों को निःशुल्क चाट वितरित की। जी हाँ, बता दें डायरेक्टर रवि गुप्ता ने बताया कि उनकी दुकान बरा क्षेत्र में मयूरी चाट के नाम से विगत कई वर्षों से संचालित हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में अधिक से अधिक संख्या में मतदान किया जाए, इसलिए उन्होंने मतदाताओं को उंगली पर स्याही का निशान दिखाने पर निःशुल्क चाट वितरित की। जैसे ही मयूरी चाट के डायरेक्टर रवि गुप्ता के द्वारा चाट निःशुल्क वितरित की गई, सड़कों पर निकल रहे मतदाता भारी संख्या में उमड़ पड़े। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में मतदाताओं ने गर्मा गर्म चाट का लुत्फ उठाया और दुकानदार की तारीफ करते हुए कहा कि मतदाताओं को इससे ज्यादा जागरूक और लुभाया नहीं जा सकता। इस दौरान संस्थापक ठाकुर प्रसाद गुप्ता एवं राधा गुप्ता ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज उन्हें अंतरात्मा से जो खुशी मिल रही है वे उसे बयां नहीं कर सकते। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में उन्होंने भी भागीदारी की है। बता दें वितरण के दौरान क्षेत्रीय पार्षद डॉक्टर अखिलेश वाजपेयी ने भी बताया कि दुकानदार की ये पहल अच्छी है, ऐसा आयोजन होना चाहिए जिससे मतदाताओं का भी रुझान बढ़ सके और अत्यधिक संख्या में मतदाता मतदान कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि गुप्ता है, मेरी भी दुकान बदला तो मयूर चाट के नाम से कानपुर नगर पे है। आज क्या किया आपने? आज हमने एक टिक्की वितरण का कार्यक्रम किया है, मतदाता का जागरूकता की उसमें रखा है, जिसमें हमारे पार्षद जी का भी बड़ा सहयोग रहा है, जिन्होंने बहुत मेरा सपोर्ट किया है। कितने हजार लोगों को चाट निःशुल्क वितरण की है? कम से कम हमने 6000 लोगों की व्यवस्था की है और सम्मान से उनको स्याही इंक दिखा के जो होली की इंक दिखा रहा है उसको हम टिक्की खिला रहे हैं। क्या धारणा रही मतदान के दिन? आप देख रहे होंगे भीड़। किस उद्देश्य से वितरण किया है? कि हमें कानपुर का सबसे ज़्यादा मतदान बढ़ाना है, मेरा प्रयास रहा है। अब कोशिश आज लग भी रहा है कि लोग वोट डाल के आए हैं।